गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, पार्ट नंबर 4 है और हम भाग एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारा प्रश्न बनता है मानचित्र के कोई दो लाभ लिखो। तो मानचित्रों को आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। नंबर 2 है मानचित्र छोटे क्षेत्र की सही जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मानचित्र पर दूरी कैसे मापी जाती है। उत्तर है मानचित्र पर पैमाने से दूरी मापी जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। नंबर 3 तीसरा प्रश्न है ग्लोब की 2 कमियां यानी ग्लोब के 2 नुकसान। उत्तर बनता है ग्लोब को इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कमज़ोर चीज़ होती है, नाजुक चीज़ होती है। नंबर 2 है ग्लोब पर दूरी आदि की गणना करना बहुत कठिन काम है। प्रश्न नंबर 4 है परंपरागत चिन्ह क्या होते हैं। उत्तर है मानचित्र पर विभिन्न भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह रूढ़ चिन्ह या परंपरागत चिन्ह कहलाते हैं। तो आज का था हमारे ये 4 प्रश्न, ये आपको लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।